बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है तंदूरी चिकन इन अवन। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते टाइम को। सबसे पहले हमने चिकन लेना है, उसमें आपने कट्स लगा देने हैं। कट्स आपने डीप लगाने हैं ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए और ये आसानी से कुक भी हो सके। तो इस तरह से इसमें कम टाइम लगेगा आपका और मसाला भी बहुत मज़े का इसके अंदर तक चला जाएगा। हम यूज़ करेंगे चिकन टिक्का मसाला, मैं शान का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे जिस कंपनी का भी यूज़ करें। साथ में हमने 5 लेमन लिए हैं, उससे जूस निकाला है। ये है, अब ये है हमारे पास मसाले, जिसमें है लहसुन, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में कोरिएंडर पाउडर, टिक्का मसाला और पेपरिका पाउडर। सबसे पहले हमने सॉल्ट लेना है, तकरीबन 1 टीस्पून है भर के, इसको आपने चिकन पे लगा देना है। और सारे के सारे जो मसाले हैं वो आपने फिर इसमें ऐड करने हैं। फर्स्ट हम सॉल्ट लगाएंगे, अच्छे से आपने सॉल्ट लगा लिया है, आप सारे मसाले आपने ऐड कर लेने हैं। इनको अगर आप मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, पहले से ही अच्छे से हमने इसको लगा देना है। साथ में हमने ऐड करना है लेमन जूस, 4 लेमन का मैंने निकाला है ये लेमन जूस। अब अच्छे से आपने चिकन को कोट करना है इस मसाले के साथ। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ लेमन जो है आपने ऐड करना है। इसमें कोई योगर्ट वगैरह नहीं जाएगा, इसमें यही मसाले जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से अंदर अंदर तक आपने इसमें मसाला लगाना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, और साथ ही मेरी वीडियोस को आप शेयर भी कर दें। इस जब आप बेल दबाएंगे तो इससे आने वाली जो मेरी वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी, साथ में आपको ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलेंगी। इसको हमने अच्छे से कोट कर लिया है, अब हम इस पर लगाएंगे फूड कलर। फूड कलर आपने अच्छे से लगा देना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा सा कलर ही हमें चाहिए ताकि जब ये पके तो इसका कलर काफ़ी अच्छा आए। फूड कलर लग चुका है, अब हम इसको छोड़ देंगे 5 घंटों के लिए या ओवरनाइट। अब इसको तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं, इसको हमने कुक करना है। आप चेक कर सकते हैं कि मसाला अच्छे से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है चिकन ने। अब आपने इस तरह से ग्रिल लेना है और उस पर इसको रख देना है, लेकिन पहले आपने ग्रिल पे थोड़ा सी ऑयलिंग कर लेनी है और ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सी पे। अब हमने इसको ओवन में रख दिया है, इसको 10 मिनट्स, अब इसको 10 मिनट्स हो चुके हैं, आपने इसकी साइड्स चेंज कर देनी है। अब इस टाइम पे इसको तकरीबन 20 to 25 मिनट्स हो चुके थे, अब हमने इस पे ऑयल लगाना है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं। दोनों साइड्स को हमने इस तरह से ऑयलिंग कर देनी है। अब हमने चूल्हे पे कोयला रख देना है गरम होने के लिए, ये अच्छे से गरम हो जाए। अब हम इस चिकन को तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम यहाँ पर कोयला लगाएँगे। थोड़ी देर के लिए हम ओवन में इसको और छोड़ देंगे फॉर 5 मिनट्स। अब हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं कितने मज़े का है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट एंड जूसी है, बहुत ही मज़े का बनता है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।